चलिए तो ओपन करते हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन को। अब यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके हम यहाँ से फ़ोटो को अपने सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम अपनी फ़ोटो को यहाँ से ले लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से देखिए फ़ोटो ले ली है। इस फ़ोटो को हमें क्या करना है कि यहाँ पे पहले क्रॉप करना है। तो इस फ़ोटो को हम पहले क्रॉप कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें इसको क्रॉप करना है। तो हमने इतने साइज में इसको फ्रेम बना लिया। तो ये हमें फ्रेम चाहिए इसका। तो चलिए हमने इसको फ्रेम बना लिया है। अब यहाँ से हम इसको डन कर देंगे। तो डन करने के बाद फिर से हम यहाँ पे टूल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। टूल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ट्यून इमेज कर देंगे। ट्यून इमेज करने के बाद हम इसमें कलर ग्रेडिंग कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा बढ़िया से इसमें हम कलर डाल लेते हैं। तो चलिए हम इसमें कलर डालते हैं। तो कलर डालने के बाद हम इसको यहाँ से डन कर देंगे। अब हमें डन करने के बाद टूल पे जाना है। यहाँ पर टूल पे जाने के बाद हम यहाँ सेलेक्टिव टूल पे जाएंगे। और सेलेक्टिव पे जाने के बाद हम यहाँ से एक लेयर बनाएंगे हम यहाँ फेस पे। और इसी तरह हम तीन लेयर बना लेंगे दोनों हैंड पे। जहाँ जहाँ हमें ब्लैक सा दिखेगा वहाँ हम लेयर बना लेंगे। तो चलिए देखिए हमने कुछ इस तरह से यहाँ से पे कर लिया। तो अब हम इसके बाद यहाँ हैंड्स पे भी लेयर बना लेंगे एक। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे लाइट को अच्छे से मिला लिया है। अब लाइट्स को देखिए यहाँ पे मिलाने के बाद यहाँ हैंड पर लेयर बनाइए। इस हैंड पे बनाने के बाद हम सेकंड हैंड पे भी एक लेयर बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारी फ़ोटो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से। अब इसको हम यहाँ से डन कर लेंगे। तो देखिए अब डन करने के बाद टूल पे जाएंगे। टूल पे जाने के बाद हम यहाँ ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाने के बाद देखिए सैचुरेशन पे क्लिक करके हमें यहाँ लिप्स पे इसको अप्लाई करना है ताकि हमारे लिप्स थोड़ा रेड दिखने लगे। तो हम देखिए कुछ इस तरह से इस पर अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करने के बाद हम यहाँ से इसको डन कर देंगे। तो ये देखिए डन कर लिया हमने यहाँ से। तो डन करने के बाद हम इसके बाद फिर से यहाँ पे टूल पे जाएंगे। तो टूल पे जाने के बाद अब हम चलते हैं एक्सपोजर पे। एक्सपोजर में जाने के बाद यहाँ से हम फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने ये वाला बैकग्राउंड ले लिया। यहाँ से हम इसको ये ऑपोसिटी उसको हम बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद हम इसको यहाँ से डन कर देंगे। अब डन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जाके हमें व्यू एडिट कर देना है। व्यू एडिट करने के बाद हमें इस फोटो को यहाँ से एडिट करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद हम बैकग्राउंड पे इसको अप्लाई कर देते हैं। पूरे बैकग्राउंड को अच्छे से अप्लाई कर देते हैं। चलिए हम इसको जल्दी से अप्लाई कर देते हैं। तो जल्दी जल्दी हम इस फोटो पे बैकग्राउंड को अप्लाई कर देते हैं। तो बैकग्राउंड भी हमारा बढ़िया सा आ जाएगा इस पर। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने यहाँ बैकग्राउंड पे पूरे पेज को अप्लाई कर दिया है। तो अप्लाई करने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से हमारी फ़ोटो देखेगी। अब इसके बाद यहाँ से हम इसको डन कर देंगे। तो डन करने के बाद ये देखिए हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह से देखेगी। इसको यहाँ से बैक कर देंगे। बैक करने के बाद चलेंगे हम फिर से यहाँ पर। यहाँ से हम इसको सेव करने के लिए जाएंगे। यहाँ से हम शेयर कर देंगे। शेयर करने के लिए चलते हैं हम सीधा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो इसको हम ले चलते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। अब ये हमने देखिए यहाँ पे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमें यहाँ सिंपली इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद क्या करें, हम यहाँ पे ऑयल पेंटिंग पे क्लिक करके और हमें ओनली हेयर पे ही ऑयल पेंटिंग करना है। तो यहाँ इनवाइट करके हम ओनली हेयर पे हम अच्छे से इसको अप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम इसको अच्छे से अप्लाई कर देते हैं हेयर पे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमको यहाँ हेयर पे अच्छे से अप्लाई करना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अभी आपको हेयर अच्छे नहीं दिख रहे होंगे, बट हम इसकी अमाउंट को थोड़ा हम कम करेंगे तो बहुत बढ़िया से हमारे हेयर दिखने लगेंगे। तो चलिए देखिए हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ से अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है कि इसको यहाँ से डन कर देना है। तो ये हमने डन कर दिया। यहाँ से डन करने के बाद हम इसी पर क्लिक करके दोबारा इसको अमाउंट को हम बहुत ही कम कर लेंगे ताकि हमारे हेयर बहुत ही बढ़िया दिखने लगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें इसको रखना है। ज़्यादा भी नहीं रखना है, थोड़ा सा कम ही रखना है। 8 to 10 समथिंग रखना है इसको। तो इसको रखने के बाद यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से फ़ोटो को सेव कर लेते हैं। तो इस फ़ोटो को हमने यहाँ से सेव कर लिया। सेव करने के बाद इस फ़ोटो को हम लेके चलते हैं रेमिनी ऐप के अंदर। तो चलिए यहाँ से हम फ़ोटो को रेमिनी ऐप के अंदर लेके चलते हैं, जिससे कि हमारी फ़ोटो में बढ़िया से पिक्सल आ जाएँ। अभी हमारी फ़ोटो उतनी क्लियर नहीं है, तो
तो इससे हमारी फ़ोटो में बहुत ही बढ़िया पिक्सल आ जाएंगे ताकि हमारी फ़ोटो ही मस्त दिखेगी। अब यहाँ पे देखिए हमने एनहेंस कर दिया, एनहेंस करने के बाद तो ऐड आएगा, तो ऐड को वॉच कर लेना है, वॉच करने के बाद इसको हम कट कर देना है। तो हम कट कर दिया यहाँ से, कट करने के बाद देखिए हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह दिखेगी। आपको हम फेस दिखा देते हैं, देखिए फेस कुछ इस प्रकार हमारा फेस दिखेगा यहाँ पे। तो चलिए अब इस फ़ोटो को क्या करेंगे हम, आपने चेक तो कर लिया फ़ोटो, फ़ोटो देखिए कितनी बड़ी दिख रही है। अब इसको हम फ़ोटो को सेव करते हैं। तो ये देखिए ऊपर यहाँ पे हम जाकर इस फ़ोटो को सेव कर लेते हैं, यहाँ क्लिक करके हम फ़ोटो को सेव कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ ऐड आएगा, तो ऐड को हम यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए हमारी फ़ोटो सेव हो जाएगी। तो देखिए हमारी फ़ोटो सेव हो चुकी है। सेव होने के बाद यहाँ हम लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। लाइट रूम एप्लीकेशन में इस फ़ोटो को हम जल्दी से ऐड कर लेते हैं। अभी हमारी फ़ोटो ऐड नहीं है, तो यहाँ से हम फ़ोटो को ऐड कर लेंगे। तो ये हमने फ़ोटो ऐड कर लिया, एक बार हमारी फ़ोटो ऐड ना हुई है शायद, आ गई फ़ोटो, कोई दिक्कत नहीं, फ़ोटो हमारी आ चुकी है। हम चलते हैं, इसको ओपन करते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन को, और यहाँ से हम बहुत ही बढ़िया से इसमें हम कलर डाल देंगे। तो चलिए इसमें हम बहुत ही बढ़िया तरीके से कलर डाल देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें कलर डालने हैं, आप अपने हिसाब से भी कलर डाल सकते हैं, जो भी आपको बढ़िया से लग रहे हैं। और मैं लाइटरूम एप्लीकेशन पे भी एक वीडियो बना रहा हूँ, और वो वीडियो समथिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं कुछ ही एक दो वीडियो के बाद वो वीडियो भी यहाँ पे डाल दूँगा, तो आप लाइटरूम को कम्प्लीटली सीख सकते हैं इससे। तो आप यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से कलर ग्रेडिंग इसमें कर लेंगे बढ़िया से। तो हम इसको जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पे, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है इसको। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और बढ़िया बढ़िया एडिटिंग भी देखते रहिए, और जो जो भी आपको एडिटिंग में समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या समस्या आ रही है, और वीडियो में जो भी प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आप हमें बताइए कमेंट करके, हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो देखिए हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह से दिखने लगी है। अब इस फ़ोटो में हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लियरिटी भी डाल देंगे अच्छे से, ताकि बढ़िया स्मूथ दिखने लगे हमारी फ़ोटो। तो देखिए हमारी फ़ोटो कितनी बढ़िया तरीके से दिख रही है अब। तो देखिए हमारी फ़ोटो अब कुछ इस तरह से दिख रही है। हम इसमें थोड़े से इसमें कलर डाल लेते हैं, इसको हम रेडटोन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम। अब देखिए कुछ इस तरह से हमारी फ़ोटो दिख रही है। फ़ोटो दिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस फ़ोटो को हम सेव कर लेते हैं, शेयर वाले ऑप्शन पर जाकर इस फ़ोटो को हम सेव कर लेते हैं।